नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा, जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो, चाहे वो टेलीग्राम के थ्रू हो, या यूट्यूब में आपके कमेंट्स के थ्रू। पिछले कुछ दिनों से मैं एक ही डाउट, हर तीसरे बंदे का एक ही डाउट हो रहा है कि भैया प्रिपरेशन के दौरान आप प्रतिदिन कितने क्वेश्चन मैथमेटिक्स के करते थे, या दूसरी लैंग्वेज में वही क्वेश्चन होता है कि हमें तैयारी के दौरान कितने क्वेश्चन प्रतिदिन करने चाहिए। ये मतलब 33.33% बंदों का सेम मैसेज आ रहा है, यानी कि 1/3 बंदों का सेम मैसेज आ रहा है। इसका मतलब ये कॉमन डाउट है, और मुझे लगता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी ये डाउट होगा। मुझे पता है कि जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, चाहे मैं हूं चाहे यूपीएससी टॉपर हो, सबकी स्ट्रेटजी उसको बेस्ट नहीं लगती जब तक उस स्ट्रेटजी से सिलेक्शन ना हो जाए। स्ट्रेटजी बेस्ट कौन सी होती है? जैसे मेरी कोई स्ट्रेटजी है, मैं उससे अगर सेलेक्ट हो जाता हूं तो वो बढ़िया है, अगर नहीं हो पाया तो मतलब मेरी स्ट्रेटजी में कोई कमी, ऐसा तो होता है। यानी अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरी स्ट्रेटजी पे मेरा सिलेक्शन हो गया इसी वजह से, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी वो आपके लिए काम करे, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग है और आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ अलग है। आई नो आप समझदार हो, लेकिन थोड़ी देर मेरी बातें सुनो और इस पे गौर करना जो चीजें मैं बताऊंगा। स्ट्रेटजी पोर्शन को अलग रखते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी ना मैं बताने आया हूं और ना मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेटजी रखनी है अगर आपको सिलेक्शन खुद लेना है तो। ठीक है, पहली चीज, तीन टाइप की जनता है, तीन टाइप के यूथ हैं जो तैयारी में है। पहली जनता होती है जो बिगिनर होती है, जो पहली बार तैयारी में आई है, वो तैयारी करके पहला अटेम्प्ट 2021 या 2022 देगी। दूसरे टाइप की जनता होती है जिन्होंने तैयारी कर ली है, एक आध अटेम्प्ट भी दे लिया है, हो सकता है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने पूरा सिलेबस कर लिया है। अब वो ये कंफ्यूज है कि कहां से प्रैक्टिस करें, क्या प्रैक्टिस करें, प्रतिदिन कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और तीसरे टाइप की, सबसे खतरनाक, सबसे जानकार, और मुझे जो जिनसे सबसे ज्यादा डर लगता है, वो तीसरे टाइप की जनता, संवेदनशील जनता है, जो कि ऐसे हैं कि जिन्होंने प्री में भी ठीक ठाक स्कोर कर ले रहे हैं 140-150, मेंस में भी उनका स्कोर ठीक ठाक हो रहा है 150 मैथ में, 150-160 इंग्लिश में, और टीयर 3 में भी वो ठीक स्कोर करके बस उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस जनता को पता सब कुछ है, इन्होंने तमाम तरह की स्ट्रेटजी भी अप्लाई कर ली। मैं नहीं चाहता कि फर्स्ट टाइप की जनता थर्ड टाइप की जनता बने, यानी आज आपको पहली, अगर आप बिगिनर हैं, सबसे मतलब बेस्ट मेरे टीचर्स जो भी थे वो मुझे भी बताते थे कि भैया अगर आप बिगिनर हो, अभी आप शुरू कर रहे हो, तो आपके अंदर कोई डर नहीं है, आप अपना बेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में दे सकते हो। सबको पता होता है कोई डर नहीं होता, आप फ्रेश एनर्जी के साथ आते हो, फ्रेश जोश के साथ आप अच्छा कर जाते हो। ठीक है, तो आप फर्स्ट वाली जनता को थर्ड वाली जनता बनने से रोकना है। दूसरी चीज, थर्ड वाली जनता में आपको मैं बता दूं क्लियरली, मे बी आपको बुरी भी लग जाएगा, कि थर्ड टाइप की जो जनता है उसको समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको सब कुछ पता है, इवन मुझसे ज्यादा पता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी बता पाऊं। तो सबसे पहले मैं पहली टाइप की जनता यानी बिगिनर्स के लिए बात करता हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप सहन करना। देखो, मैंने सारी चीज नोट कर ली, और इसमें केवल मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे दोस्तों का, 100 टॉप 100 में जो लोग हैं, टॉप 200 में सीजीएल में है, 2-3 बार और एग्जाम्स भी निकाले हैं, बैंक एग्जाम, उन सबका भी एक्सपीरियंस है। मैंने इसी वजह से सबका एक्सपीरियंस पूछ के लिख लिया। देखो, सबसे पहले बात करते मैथमेटिक्स में, बात करूंगा इसी हिसाब से आप अपने सेक्शन की, मतलब जो भी अलग अलग सेक्शन है उसकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। पहली चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग में मिनिमम 45+ करना पड़ेगा, और जीके में आपका, जीके का कोई गारंटी नहीं ले सकता, इतने नंबर आ ही जाएंगे, लेकिन पढ़ना तो वो भी पड़ेगा। यानी 45+ इन तीनों में लाने हैं, और फिर उसमें जितना ले आओ, मतलब 160-165 रॉ स्कोर किसी भी शिफ्ट में, मॉडरेट शिफ्ट है तो 160-165, अगर टफ हुई तब भी 160, और अगर इजी हुई तो आप ज्यादा लेके आओ। इस तरह से अगर लाना है, आपको 4600 ग्रेड पे लेना है तो इतना स्कोर लाना पड़ेगा, सबको पता है, बिगिनर्स हैं उनको मैं बता ही रहा हूं। देखो, सबसे पहले मैथमेटिक्स पे आते हैं। मैथमेटिक्स का आपके पास एक बुक, मैंने हजार बार बोली कि एक बुक ले लो, कोई सी बुक, कोई सी बुक, मतलब मार्केट में कोई सी बुक अवेलेबल है, कोई सी बुक ले लो। अब दूसरी चीज, उस बुक और जिस भी टीचर से आपको समझ में आता है, उस टीचर का पेड कोर्स या फ्री में या यूट्यूब पे या मेरा स्टार बैच या कुछ भी, आप उससे पढ़ना शुरू करो। एक बुक आपके पास है, एक टीचर है, वो पढ़ा रहा है, आपको क्या काम करना है कि चैप्टर वाइज वो पढ़ा रहे हैं, सिलेबस अभी आपका कंप्लीट नहीं है, अभी आप सिलेबस ही कंप्लीट करो। वो मान लो उन्होंने स्टार्ट करा टाइम एंड वर्क, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, टाइम एंड वर्क उन्होंने स्टार्ट करा, उन्होंने 4 दिन में आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया, 4 दिन में उन्होंने कम से कम 25-30-40 क्वेश्चन मान लो उन्होंने करवाए,
और आपने जो बुक ली थी उसमें 60 या 70 या 100 क्वेश्चन थे, तो आपके पास टाइम एंड वर्क के कितने क्वेश्चन होंगे? 140 क्वेश्चन, अभी प्रीवियस ईयर भी छोड़ो, 140 क्वेश्चन होंगे। अब आपको क्या काम करना है, मान लो 4 दिन में उन्होंने टाइम एंड वर्क खत्म किया, 4 दिन में 140 क्वेश्चन यानी डेली के 35 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो डेली के 35 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के करने हैं। डेली के 35 क्वेश्चन करने में मुझे पता है स्टार्टिंग में आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, स्टार्ट जब अगर कर रहे हो तो 1.5 घंटे 2 घंटे लगेंगे, 1.5 घंटे ये वाला हो गया, और आपकी क्लास 2.5 घंटे की, 3.5 घंटे मैथमेटिक्स को दे रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। आपका सिलेबस अभी चल रहा है तब की बात करो, आपका जो चैप्टर वाइज पढ़ा रहे उसी चैप्टर को करिए, और जो बुक मैंने इसी वजह से बताया कि जो बुक आपने ली है उस बुक के क्वेश्चंस करते रहिए। एक बुक को 1000 बार करने वाला डायलॉग आपने 1000 बार सुना है लेकिन मान नहीं रहे हो, वो मानोगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज, आपने जब कर लिया उस चैप्टर को कर लिया, उसके बाद उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, उस चैप्टर का प्रीवियस, अब जैसे मान लो 4 दिन में टाइम एंड वर्क खत्म हुआ, अब प्रीवियस ईयर में मान लो 100 क्वेश्चन है, तो आपको क्या काम करना है, 4 दिन में जो पढ़ा है 5वें दिन उन सबका निचोड़, आपको 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिल गया। अब 5वें दिन का आपका टारगेट होना चाहिए कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन, या 3 घंटे मैक्सिमम अगर आप स्टार्ट करो, 3 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने। टारगेट लगा के नहीं करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर जो अब आ रहा है वो कैलकुलेटिव की तरफ ज्यादा झुका है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं कि वो कैट का कॉन्सेप्ट नहीं, आपका कैलकुलेशन स्किल अगर अच्छी नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा एसएससी में, मान के चलना। पहले बैंक बहुत कैलकुलेटिव होता था, एसएससी भी कैलकुलेटिव कर रही, तो आपको पहले जो सर ने प्रोवाइड किया और जो आपके पास बुक थी वो कर लिया और प्रीवियस ईयर कर लिया, वो चैप्टर डन हो गया। फिर अगले चैप्टर पे सेम स्ट्रेटजी करनी, अब आपको डिसाइड करना है कि कितने क्वेश्चन है, कितने दिन में टीचर आपके खत्म कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है आपके टीचर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, इस बार आप 2022 टारगेट कर रहे हो तो ठीक है, आप मान लो कि वो 10 दिन में टाइम एंड वर्क खत्म कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क के वो 20 क्वेश्चन करवा रहे, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब आप 2021 दे नहीं रहे हो, क्योंकि 2021 जिन्हें देना है वो तो सिलेबस भी खत्म करना है ना, तो आप उस हिसाब से टीचर भी चूज करो, ठीक है। इसी मतलब यहां से आपको ये चीजें सीखनी है कि टीचर भी आपको अपनी नीड के हिसाब से जिनसे समझ आई है, दूसरी चीज बुक कोई सी ले लो, तीसरी चीज प्रैक्टिस आपको किस तरह से करनी है। पहले चैप्टर में बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं कि भैया आपको क्या काम करना है, आपको जो टीचर करवा रहे हैं वो क्वेश्चंस करने, बुक में 100 क्वेश्चन है तो 140 हो गए, और फिर 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मान लो 240 क्वेश्चन किसी चैप्टर का कर लिया, वो चैप्टर लोहा लाट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि बुक में मान लो आप अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो, लड़के क्या करते हैं बुक को ऐसे रख देते सहेज के, ये अभी सुराना से मेरी बात हो रही थी, जो मेरे फ्लैटमेट है बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छी रैंक के साथ सीजीएल में सिलेक्टेड है, वो सेम चीज उन्होंने भी बोली, उनका एक्सपीरियंस है कि अगर, और मेरा मतलब मैंने ये काम किया मैं भूल जाता अगर मैं ना बता, कि अगर आप बुक को केवल पढ़ रहे हो तो दोबारा जब उस बुक को पढ़ोगे तो मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके दिमाग में कोई ट्रिक आई, या जब आप आज नया नया ताजा पढ़ रहे हो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट याद होंगे, लेकिन अगर आप या मतलब सोचो कि अगर 6 महीने बाद उस चैप्टर को पढ़ने हो तो क्या आज जो कॉन्सेप्ट सर ने बताए वो याद होंगे, तो आप या तो नोट्स बनाओ और या तो बुक जो आपके पास एक बुक रखो उसमें लिख लो कि ये वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लग रहा है, अगर यूनिक सा क्वेश्चन या यूनिक सा कॉन्सेप्ट है तो उस क्वेश्चन के आगे लिख लो, ताकि जब दोबारा आओ तो आपको फिर से दिमाग ना लगाना पड़े कि क्या कॉन्सेप्ट था, आपने क्वेश्चन देखा अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, फिर उसने आपने प्रैक्टिस कर ली, तो बुक पे अच्छे कॉन्सेप्ट भी लिखने की आदत डालो, मार्क करने की आदत डालो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन हमें ऐसे करना है, क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, हाँ दूसरी चीज, कुछ लोग अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट है, वो टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े पड़े हैं कि अभी भैया क्वेश्चन भेजेंगे, फलाने भैया क्वेश्चन भेज देंगे हम कर लेंगे। पहली चीज, सोशल मीडिया टेलीग्राम और फेसबुक जो क्वेश्चंस होते हैं इससे सिलेक्शन नहीं होता, और जो बंदा आपको बता रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है ना वो पिछले 10 सालों से वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप कोशिश करो कि आप जब तक मेंस दे ना लो तब तक ये ग्रुप्स वगैरह में फर्जी ना फंसो। हाँ अगर आपका कोई डाउट है आप जाओ डाउट भेज दो फिर चले आओ, यानी डाउट का इंतजार कर रहे हैं वहां पे, लड़की है तो लड़कों से चैट कर रहे हैं, लड़के हैं तो लड़कियों से पीछे पड़े हैं, डीएम में बातें हो रही, नहीं ऐसा नहीं करना, अब टाइम किल कर लो, ठीक है। तो पहली टाइप की जनता को क्लियर हो गया क्या करना है, ठीक है। अब दूसरी टाइप की जनता पे आते हैं हम, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो अपने आप को प्रो समझ रहे हैं नहीं, और उनके स्कोर भी मतलब ऐसा हो गया कि वो उनसे प्री भी नहीं निकल रहा, लेकिन हाँ ये है कि उनका सिलेबस कंप्लीट है, वो एक लेवल पे 100-120 नंबर पा रहे हैं। ये भी जनता खतरनाक तो है। देखो सबसे पहले अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो मैं आपको अब बताता हूं, आपके लिए थोड़ा सा स्पेशल गाइडेंस है, जो है आप कंप्लीटली स्विच कर जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक के साथ, जो
पहले मैंने बताया बिगनर्स के लिए, बिगनर तो कोई बुक ले सकते हैं, लेकिन आप अब प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड बुक जो बहुत सारी मार्केट में, किसी की अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और मुझे ज्यादा पता भी नहीं इस टाइम पे कौन सी मार्केट में, तो आप क्या काम करो कि उस बुक को ले लो जो प्रीवियस ईयर के 2016 के बाद यानी टीसीएस के सारे क्वेश्चंस को कवर करती है चैप्टर वाइज। अब आपको क्या करना है, आप कहोगे चैप्टर वाइज करने से तो पुराने वो चैप्टर भूल जाएंगे जो बहुत पहले पढ़े थे मैंने, नहीं, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। मान लो 100 क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क में, 100 क्वेश्चन है वर्क एंड बेसिस में, 100 क्वेश्चन है मान लो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, और 100 क्वेश्चन में मान ले रहा हूं आपका है एवरेज में, 400 क्वेश्चन हो गए। आप टारगेट रखो कि 400 पहले पूरी बुक में क्वेश्चन देख लो, और आपका प्री एग्जाम कब है, मान लो आपके पास 60 दिन का टाइम है और 3000 क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस ईयर है, यानी डेली के 50 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम करने ही, लेकिन अगर आपको रिवीजन भी करना है तो आपको 50 से बढ़ाना पड़ेगा, यानी आपको डेली के 60 मान लो करें। अब 60 क्वेश्चन डेली करने हैं तो आप एक काम करो ना, 15 पहले चैप्टर का, 15 दूसरे चैप्टर का, 15 तीसरे चैप्टर का, 15 चौथे चैप्टर का, यानी कि चारों चैप्टर एक साथ आपके दिमाग में, क्योंकि आप सिलेबस तो कंप्लीट कर चुके हो तो आपके अंदर अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और दूसरी चीज ये नहीं रहेगा, जब आप नए रहते हो तो आप सबको पता होगा कि एक चैप्टर हम पढ़ लेते हैं दूसरे पे आते हैं तो पहला वाला भूलने लग जाते हैं, ये वाली प्रॉब्लम भी अब सॉल्व हो जाएगी। और ये जो पहले मैंने सलाह दी बिगिनर्स को, उनको भी बाद में ये फॉलो करना है, लेकिन पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तब आपको ये फॉलो करना है कि चैप्टर वाइज 15-15-15 क्वेश्चन उठा लिए, डेली के 60 क्वेश्चन होंगे, और टाइमर के साथ करो, जब भी प्रैक्टिस करो टाइम लिमिट में अपने आप को एक प्रेशर डालो अपने दिमाग पे कि भैया मुझे ये क्वेश्चन इतनी जल्दी करना। अगर आप टाइमर लगा के या अब टाइम लिमिट में क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपकी स्पीड कोई नहीं जनरेट करवा सकता, इवन मैं या दुनिया का कोई भी, ठीक है, सुपर पावर नहीं दे सकता कोई, ऐसा नहीं है कि आयरन मैन हो आप या सुपरमैन हो, ठीक है, सुपरमैन होता है कि स्पाइडरमैन, सॉरी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो आपको टाइम लिमिट में करना है। अब 15-15 क्वेश्चन पहले दिन, 15-15 दूसरे दिन, मुश्किल से कितने आपके 400 क्वेश्चन थे, 60 एक दिन में कर लो, 6 दिन में 4 चैप्टर खत्म हो गए। अब आपको चारों चैप्टर अगर मिक्स क्विज हो गई, मतलब मिक्स भी आएंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि वो वाला चैप्टर बोल रहा है ये वाला चैप्टर, फिर अगला 4 चैप्टर, फिर अगला 4 चैप्टर। अब मान लो 4 चैप्टर ये कर लिए, फिर 2 चैप्टर ऐड करो, 2 चैप्टर ऐड कर लिए, 6 हो गए। अब सबके 10-10-10 क्वेश्चन ले लो, है ना, फिर ऐसे, फिर और एक काम किया करो कि जो कौन सा, अब उसमें मान लो कि 4 चैप्टर थे उसमें 2 पे आपको एकदम ऐसा हो गया कि अब इस पे तो भैया कोई क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूंगा, तो वो 2 क्वेश्चन निकाल, वो 2 चैप्टर निकाल दो, बाकी 2 बचे और 2 और नए ऐड कर लो, फिर 4 पे प्रैक्टिस करो, फिर मान लो 2 पे तब तक कॉन्फिडेंस आ गया, उन 2 को निकालो, फिर 2 अगले ऐड करके 4 पे कर। इस तरह से आप करोगे तो आपको जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है लड़कों की कि सर मैं ये करने लग जाता हूं तो वो भूल जाता हूं, तो ये वाला चीज नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर इसमें सारे कवर हो जाएंगे। और कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि सर आप जो स्टार बैच में करा रहे हो इससे क्या मेरा एग्जाम निकल जाएगा। देखो, बैच से कॉन्सेप्ट बनता है, बैच से क्वेश्चन करने का तरीका मेथड आपको मिलते, स्पीड बैच से तब आएगी जब मेरे साथ, मैंने आपने देखा होगा जो मैं स्टार बैच भी करवा रहा हूं उसमें 1 घंटे में 35 क्वेश्चन में करवा, क्यों, क्योंकि स्पीड आपका, आपके दिमाग जो है वो उस स्पीड से रिएक्ट करना शुरू कर दे। तो आपको यह भी कोशिश करनी है कि मैं कितना करवा रहा हूं उसका 2 गुना आप करोगे तो आपकी स्पीड बन के आएगी, ठीक। कोई टीचर की गलती नहीं होती, आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लल्ला कैसे स्पीड आएगी, ठीक है, ओके। और मैं तीसरी चीज बता दूं कि कॉन्सेप्ट और एक मतलब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे फॉर्मूले के एक नोट्स रखो, पतली सी, उसमें बहुत ज्यादा चीजें ना रखो, एग्जाम के दिन या एग्जाम से 2 दिन पहले उसको रिवाइज करने में आसानी हो, तो अच्छा क्वेश्चन दिखे तो कहीं। अब कुछ लोग इतने अच्छे क्वेश्चन हो, 1000-1000 क्वेश्चन, कई लोगों की मुझे डाउट होते हैं सर मेरे 1000 अच्छे क्वेश्चन हो गए, मतलब आप खुद अपना लेवल इंप्रूव नहीं कर रहे हो, आप लेवल उतना गिरा हुआ ही रख रहे हो, तो आपके लिए तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाए। लेवल भी बढ़ाते रहो ना, कि क्वेश्चन निकालते रहो उसमें से कि ये क्वेश्चन अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये क्वेश्चन मेरे लिए अच्छा नहीं दिख रहा है, हटाओ ये आ गया मुझे, ये आ गया, तो उसको निकालते भी रहो। कि एग्जाम टाइम में ऐसा नहीं 10,000 क्वेश्चन लेके बैठो तो उससे बढ़िया बुक ही लगा डालो क्वेश्चन, जैसे आपका लेवल भी, तो जैसे आज जो आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है प्रैक्टिस करने के बाद कल वो नहीं लगेगा, तो क्वेश्चन निकल भी जाएगा, ठीक है, तो ऐसे रखो, तो नोट्स भी बनाते रहो। अब तीसरी और सबसे खतरनाक प्रजाति, अगर इनसे इनको लगे कि मतलब कुछ चीजों में ये मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, प्रोवाइडेड सबसे इमोशनल लोग भी हैं, इन पे प्रेशर भी होता है, और मैं समझ सकता हूँ कि क्या ये 1-2 बार दे भी 3 बार दे भी चुके होंगे, और एज भी हो रही, कई सारी चीजें होती हैं, ये अभी बिगिनर्स और सेकंड टाइप के लोग नहीं समझेंगे। मैंने इतने लोगों से इस टाइप की बात कर ली कि अभी मुझे इनकी प्रॉब्लम्स खुद की प्रॉब्लम लगने लग गई, और मैं काफी मतलब मैं ये नहीं कह रहा पूरी चीजें समझ गया लेकिन हाँ समझ गया। तो देखो, इसमें मैं क्लियर बता दूं कि इसमें से 50% का सिलेक्शन होना है और 50% का सिलेक्शन नहीं होना है। आप कहेंगे कि निगेटिव बात है, हाँ बिल्कुल
क्लियर बात यही है कि इसमें से जो 50% जनता है वो सिलेक्ट होगी, 50% नहीं होगी। सिलेक्ट कौन सी जनता होगी? जो अपने आप को इस स्टेज में भी बैलेंस कर पाएगी, नर्व्स पे कंट्रोल कर पाएगी और सबसे ज्यादा गिवअप नहीं करेगी, कंटिन्यूटी के साथ, मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए हार्डवर्क करती रही, अगर ये जनता, तो यही जनता फोड़ती भी है। ये जनता 4600 ले जाती, ये जनता 2400 के लिए कभी नहीं रुकती। ये सीएचएसएल टॉप करती है, सीजीएल टॉप करती है, ये सिलेक्शन नहीं लेती। लेकिन अगर गिवअप कर दिया तो इनका फिर चले जाते। मतलब आप उस स्टेज पे थे, यू आर अबाउट टू, मतलब सिलेक्शन के अबाउट टू थे, यानी अबाउट टू मतलब ऐसे ऐसे किनारे पे एकदम बैठे थे कि आप सिलेक्शन ले लोगे और नहीं लोगे, आप यहां से वापस आ गए, समझ लो। तो इनको, इनके लिए मेरी बहुत कुछ छोटी छोटी सलाह है। देखो, अगर आपका रॉय स्कोर 140 आ रहा है, आप तभी श्रेणी में आ रहे हो, 140 150, तो 140 आने का मतलब कि दो सेक्शन आपका कोई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इन द सेंस 45 45 पार, लेकिन कोई एक सेक्शन पुअर है, कोई एक सेक्शन एवरेज, ऐसा ही होगा। अगर आप इस श्रेणी में आ रहे हो तो समझ में जाओगे मेरी बात। मान लो आपका मैथ्स और इंग्लिश 45 45 और बाकी दोनों में 50, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाना है, ठीक है, आपका सिलेक्शन। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 4600 ले जाओगे, क्योंकि बाकी दो सेक्शन जो 4600 और 2800 में फर्क करते हैं, यानी कि रीजनिंग और मैथ जीएस, उन पे अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप जॉब तो ले लोगे, लेकिन आपको अच्छी पोस्ट 4600 नहीं मिल पाएगी। तो लेकिन आप लकी ये हो कि आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश स्ट्रांग है, जो कि आपको मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको जॉब तो मिल गई। अब मान लो ये 4600 लेना चाहते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए? देखो, मान लो आपका मैथ्स और इंग्लिश 45 45 हो गया, रीजनिंग में 35। सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ लोग अब रोना कर रहे हैं कि रीजनिंग अब बहुत कैलकुलेटिव आ रही है। उसी रीजनिंग में कई सारे लड़कों के 45 स्कोर हैं। मुझे ना बताया जाए कि रीजनिंग अब बहुत टफ आ रही है, बैंक की रीजनिंग के सामने तुम्हारी रीजनिंग कुछ भी नहीं है। और बैंक में मेरे दोस्त, मैं नाम भी ले लूं, राजन पांडे, पता नहीं कितनी बार उसने 100% रीजनिंग में विद इन टाइम लिमिट स्कोर किया। तो ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, तुम अपने आप को बचा रहे हो कि और भी तो नहीं कर पा रहे। मैथमेटिक्स में 200 में 200 कितने लोग टारगेट करते, मैंने किया ना यार, मेरा भले नहीं आया, लेकिन 193 193 दो बार धाए धाए करके दागा ना। तो वही चीज होता है कि आप अपने आप को बचाओ ना, ये मान के चलो कि आपको रीजनिंग में पूरे के पूरे करने, एक आध गलत हो गया, दो गलत हो गया, 45 रैंक, तो 35 अगर था 45, 10 नंबर यहां मिला आपको। जीके जीएस आपको पता है कि आपको 2400 2800 मिला, लेकिन 4600 में और 2400 2800 में लगभग 20,000 से ज्यादा का वेतन का डिफरेंस होता है। और आप कितने साल पीछे हो, 8 साल, और 20,000 रुपए रोज नुकसान, वो 20,000 हर महीने नुकसान, तो कितना पीछे चले जाओगे। तो आप उसके लिए जीके और जीएस में भी आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। आप देखो प्रीवियस ईयर पेपर, आप तो इतने समझदार हो कि आपको चीजें समझ भी आ रही है कि किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर नहीं देखा आपने, अभी इसमें टाइम नहीं इन्वेस्ट करा, तो आप उस पर इन्वेस्ट करो ना, आप देखो कि जीके जीएस में कहां से क्वेश्चन ज्यादा है, पढ़ो। और लक भी, लक फेवर्स द ब्रेव जैसा कि कहावत है, तो लक आपकी तभी साथ देगी जब आप इसके लिए वर्क करोगे। तो ये तो उनके लिए जिनका मैथ्स इंग्लिश सही था, रीजनिंग और उसमें कर लिए, ठीक। अब मान लो आप हैं कि आपका रीजनिंग में बढ़िया स्कोर आ जा रहा है, रीजनिंग में आपके 45 आ जा रहे हैं, आपका इंग्लिश में आ जा रहा है। मैथमेटिक्स बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, आपको मैं बता दूं, अगर आप सीजीएल टारगेट कर रहे हो, मैथमेटिक्स आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो आपका सिलेक्शन हो भी गया। जैसे सुराना का था, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम करता था, लेकिन उसने मैथमेटिक्स पे, आप ऐसा ना टारगेट करो कि 200 लाऊंगा, मैथमेटिक्स में बिना 200 लाए भी 4600 अच्छी रैंक, टॉप 100 में लोग आते हैं। मेरा दोस्त वीर, जिसकी 200 समथिंग रैंक थी, सुराना की 200 समथिंग रैंक थी, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा नहीं था इनका, मतलब खराब था कह सकते हो, इनकी इंग्लिश की तुलना में मैथमेटिक्स एकदम बेकार था। नहीं, इन्होंने मेहनत करके ये टारगेट किया, 170 ले आए, लेकिन जो सेक्शन इनका स्ट्रांग था इंग्लिश, इन्होंने टारगेट किया था कि 200 में 200 लाऊंगा। ये चीज आपको करनी पड़ेगी। फिर आप इंग्लिश अगर आपका स्ट्रांग है और मैथमेटिक्स वीक है, तो इंग्लिश में 200 में 200 टारगेट करो, और मैथमेटिक्स को छोड़ के नहीं कि मैथमेटिक्स में 150 आ गए, नहीं, मैथमेटिक्स में भी अपना एफर्ट डालो। मैथमेटिक्स अब ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत है, ठीक है। मैथमेटिक्स ज्यादा कैसे पढ़नी, आपको जिस वे में इंटरेस्ट हो, कुछ लोग को टेस्ट देके समझने में आसानी होती, कुछ लोगों को प्रैक्टिस करके, जैसे कि बिगनर्स करते हैं कि बुक लगा के, कुछ लोगों को क्या होता है कि वो एक दूसरे, मतलब ऐसे क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगा के, मतलब आपको सीखना है कि क्विजेज लगा के कैसे, स्पीड प्रॉब्लम है या आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, वो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और उस पर काम करना पड़ेगा।
और फिर आपको कोशिश करनी है कि आपके पास जो बचा हुआ समय इसमें प्रीवियस ईयर तो एक बार कर ही जाओ, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पे प्रीवियस ईयर आपको एक रोड मैप देता है, आपको एक बाउंड्री देता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उस बाउंड्री से जब गिर जाते हो तो उस बाउंड्री आपको जब ये पता होता है कि इतना ही चीज मुझे करना है तो वो काम जल्दी खत्म होता है। आपको अगर कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो फिर कई बार जैसे मेरे साथ तो है कि अगर मुझे कुछ दिखाई ना पड़े, रोड मैप ना हो, तो मैं मतलब थोड़ा उबने लग जाता हूं। मे बी आपके साथ भी ऐसा हो कि अगर आपको रोड मैप ना दिख रहा हो तो आप उबने लग जाते हो। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है प्रीवियस ईयर पेपर, देखो किस लेवल के क्वेश्चन, किस टाइप के, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, वो आपको देखना है और उस पर वर्क करना है, ठीक है। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि प्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके सिलेक्शन का। प्री में अगर आपके अच्छे स्कोर हैं तो आप मेंस में अच्छा अगर कर गए तो आप 4600 ले लेते हो, लेकिन प्री में अगर आपके कम है तो मेंस में आपको बहुत अच्छा करना पड़ता है तब आप 4600 तक पहुंच पाते हो। तो प्री को, ये जो प्री आपका होने वाला है, इसको ऐसा नहीं कि प्री है मेंस में मैं कर लूंगा, मेरे 17 में यही एटीट्यूड था, हालांकि उसका मुझे बहुत फायदा हुआ, मैं पहला अटेम्प्ट था तो प्री में मेरे कम आए, लेकिन मैं मेंस में अपना 100% देके मैंने मेंस लेवल पे अपने आप को खड़ा कर दिया कि अच्छे से तैयारी कर ली। अगर प्री में अच्छे होते तो मैं तब अच्छी पोस्ट ले जाता, फिर 18 में उसका बहुत फायदा हुआ। तो फायदा आपने जो अभी तक पढ़ा है उसका सबका फायदा लेना है, लेकिन आपको यहां से लौटना नहीं है। लास्ट में फिर से सबके लिए एक सामूहिक सलाह कि कोई टीचर, कोई पेड कोर्स, कोई भी माई का लाल आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता सिवाय आपके। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं लाइफ में, वो सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करके अगर आप आगे बढ़ने की मतलब जज्बा रखोगे अपने अंदर, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज यार कोई धक्का देके कितने दिन किसी के सहारे पे चल पाओगे, धक्का देने वाला भी तो किसी दिन थकेगा। तो कोशिश करो कि अपना बेस्ट दो और 2021 या 2022 जो एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो उसको फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट बनाओ।